वेलकम टू बैचलर्स कुकिंग। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे फ्रूट पिज्जा। फ्रूट पिज्जा जो है बड़ा ही कलरफुल सा पिज्जा होगा। इसमें हम ढेर सारे फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे और ये नॉर्मल पिज्जा जैसा नहीं होगा। इसको हम बेक नहीं करेंगे, ग्रिल नहीं करेंगे। इनिशियल स्टेज में इसको ग्रिल कर लेंगे, उसके बाद फ्रूट से सजा के थोड़ी फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। चलिए मैं इंग्रेडिएंट बता देता हूँ। तो इसके लिए मैंने ये ढेर सारे फ्रूट्स का इस्तेमाल किया है। अंगूर है दोनों कलर के, पाइनएप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, एप्पल है। आप अपनी पसंद के फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखें कि उसमें बीज ना हो। इसके अलावा ये मेरे पास प्रोसेस चीज है, मोजरेला चीज है, फ्रेश क्रीम है, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी शुगर और ये चाट मसाला है, आसानी से मार्केट में उपलब्ध है, और ये टमेटो केचप। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं फ्रूट पिज्जा। तो इसके लिए सबसे पहले ये मेरे पास रेडी पिज्जा बेस है, इसको ले लेते हैं और इसमें डालेंगे टमेटो केचप थोड़ा सा और इसको स्प्रेड कर लें। और इसको स्प्रेड करने के बाद क्या करना है, इसमें हम डालेंगे ये नॉर्मल प्रोसेस चीज है, ये ग्रेट करके डाल देंगे और साथ में थोड़ी सी मोजरेला चीज, ये भी ग्रेट करके डाल दें आप। और चीज डालने के बाद इसमें डालें हल्का सा नमक, बहुत हल्का सा, थोड़ी सी शुगर, साथ में डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, एक एक चुटकी डालना है। और इसके बाद ये जो पिज्जा बेस है इसको ग्रिलर पे 3 मिनट के लिए डाल दें ताकि चीज मेल्ट हो जाए और उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। चलिए इसको ग्रिलर में डालता हूं। जब तक हमारी ब्रेड ग्रिल हो रही है, चीज मेल्ट हो रही है, तब तक हम ये फ्रूट है इनको कट कर लेते हैं। एक छोटा स्लाइस एप्पल का ले लें और इसको पतला पतला काट लें इस तरह से। साथ में ये मेरे पास स्ट्रॉबेरी है, इसको भी मैं कट कर लेता हूं। काफी जूसी होती है तो थोड़ा संभाल के काटें। स्ट्रॉबेरी भी हमने कट कर ली है। अब मेरे पास ये अंगूर हैं दोनों कलर के, तो कुछ अंगूर के दाने ले लेते हैं। ये पिज्जा एकदम कलरफुल और पूरा फ्रूट से भरा हुआ होना चाहिए। तो चलिए ये अंगूर ले लेता हूं और इनको भी कट कर लेते हैं हम इस तरह से। कुछ पतले पतले स्लाइस में काट लें आप अंगूरों को। और इसी तरह से ये मेरे पास नॉर्मल वाले सफेद अंगूर जो है उनको भी मैं काट लेता हूं, दो दो टुकड़े कर लें इसके। और ये पाइनएप्पल है मेरे पास, जिसको मैंने ऑलरेडी गोल गोल स्लाइस में काटा हुआ है। और हमारा जो पिज्जा हमने ग्रिल होने रखा था वो भी ग्रिल हो चुका है, इसको निकाल लें यहां। और अब क्या करना है, फ्रेश क्रीम लें आप और अच्छी तरह से फ्रेश क्रीम इसके ऊपर डालें और इसके बाद इसको सजाना है फ्रूट से। ये पाइनएप्पल रख लेता हूं मैं, एक बार ये जो अंगूर मैंने लिए हुए थे ये लगा देता हूं। आप जो जो फ्रूट आपके पास अवेलेबल हो सारे फ्रूट्स लगा सकते हैं। साथ में स्ट्रॉबेरी है मेरे पास, इसको आप फैला लें इस तरह से। ये एप्पल के हमने स्लाइस किए हुए हैं बारीक बारीक, इसको भी रख के स्लाइस में लगा लें पतले पतले। और इसके बाद अच्छी तरह से ये फ्रूट क्रीम लगा लें आप। फ्रूट क्रीम लगाने के बाद क्या करना है, क्योंकि ये फ्रूट पिज्जा है, फ्रूट से सजाएंगे हम इसको, तो बाद में कट करने में तकलीफ होगी, तो इसको पहले ही आप कट कर लें। तो इसको स्लाइस कर लें, ये स्लाइस कर लिया हमने। अब स्लाइस के हिसाब से आप अपनी पसंद के फ्रूट लगा लें इसमें। जैसे ये एप्पल है, इस तरह से आप एप्पल को रखें साथ में लगा दें, थोड़े से अंगूर, थोड़े से काले वाले अंगूर साथ में लगा देते हैं, थोड़ी स्ट्रॉबेरी। इसी तरह से दूसरे स्लाइस में दूसरे फ्रूट लगा लें। ये पाइनएप्पल है मेरे पास, इसको मैं स्लाइस कर लेता हूं और इस तरह से साथ में स्ट्रॉबेरी। आप अपनी पसंद का जैसा चाहे वैसा फ्रूट लगा सकते हैं। तो हमने सारे फ्रूट इस पिज्जा पे लगा दिए हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें हल्का सा डालें आप नमक, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में, बस फ्रूट के ऊपर हल्का सा आ जाए। साथ में डाल दें थोड़ी सी शक्कर इसी तरह से,
इसके अलावा थोड़ा सा डालेंगे हम ये चाट मसाला, और इसको बेक करने की जरूरत नहीं है, इसको हमने ऑलरेडी चीज डाल के बेक कर लिया था। तो तैयार है आपका फ्रूट पिज्जा, बच्चों को बहुत पसंद आता है, जरूर ट्राई कीजिए।